हे गाइस, वेलकम टू सब पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं पीटी 365, जो कि हमारी इकोनॉमी के हैं। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी मुझे लगता है पार्ट 12 है कि नहीं? इतने सारे पार्ट हो गए ना कि मैं खुद में ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट आई थिंक इट्स पार्ट 12। कोई ना, चलिए आप लोग प्रीवियस लेसन्स भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट है हर एक पीटी 365 की। देखिए, अभी ज्योग्राफी की नहीं आई है, इन्वायरमेंट की नहीं आई। वैसे ज्योग्राफी की तो आएगी नहीं आपकी इसमें, मीन्स रिविज़न आई इसकी। मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी की आपके को किसी और प्लेटफॉर्म की मैं यहाँ पे कंप्लीट करा देती हूँ, जैसे GS स्कोर की शायद होती है ज्योग्राफी की, या फिर IS पार्लियामेंट की पीटी 365 जो है वो ज्योग्राफी की होती है। तो मुझे कोई और प्लेटफॉर्म की या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन की अगर मुझे पीटी 365 ज्योग्राफी की मिलती है तो मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करा दूँगी। ओके, क्योंकि विजन आईएस वो पब्लिश नहीं करते, विजन आईएस जो है इन्वायरमेंट की पब्लिश करते हैं। तो अभी इन्वायरमेंट की नहीं आई है, गवर्नमेंट स्कीम्स की नहीं आई है, तो वो सब भी आएगी तो मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी। सोशल इश्यूज़ की भी नहीं है, सिक्योरिटी की भी नहीं है, तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। इसलिए आप लोग आराम से यहाँ पे स्टडी कीजिए, और जिसकी हिंदी में PDF आती है मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। इकॉनमी की हिंदी में आ चुकी है, इसको मैं दे दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो। अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको हिंदी का प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि कौन सी टॉपिक तक पढ़े थे। तो फूड ग्रेन्स कॉरपोरेशन, हम फूड ग्रेन्स मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। FCI को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग PDS रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, और रेस्ट ऑफ द लेसन देखते हैं कि कितने टॉपिक कंप्लीट कर पाते हैं। इससे पहले जो कल लास्ट लेसन में मैं क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर बता देती हूँ, और आज भी आप लोग के लिए फ्रेश क्वेश्चन है तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये तीन बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछी थी। तो पहले आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। सेकंड है कि फेसलेस ई असेसमेंट होता क्या है। थर्ड है कि iStash और अतिथि, ये इससे आप लोग क्या समझते हो। तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था, क्या हुआ मैं क्वेश्चंस थोड़े टफ़ पूछ रही हूँ क्या, जो आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है आप लोग बता सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जहाँ से UPSC टैकल करने का कोशिश करेगी तो उस हिसाब से मैं टॉपिक्स उठाती हूँ। तो कोई ना, चलिए आंसर दीजिएगा। ये है आपकी 7th एडिशन इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020, और ये जॉइंटली आपका इनिशिएटिव है VBOX का। मैं आपको बोली थी सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखने के लिए, आप लोगों को जो भी याद है उसको ज़रूर एक बार दिमाग में रखिएगा कि पहले तो एक, उसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4, 5, टोटल 5 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ कौन कौन है, तो VBOX है, साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, UNDP है, AICTE है, और साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये पांचों का नाम याद रखना तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन 3-4 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ तो ज़रूर याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च करी है फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम, और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स को कहा जा रहा है, जिसके थ्रू फेसलेस असेसमेंट हो पाएगा। यानी कि आप लोग को प्रेजेंट होने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग की फेस की भी ज़रूरत नहीं है, फेसलेस ही असेसमेंट हो जाएगा आपका, अगर कोई भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर रहे हो। और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, जो टैक्स ऑफिशियल है और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर है उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि फेसलेस ई असेसमेंट क्या है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये किस चीज़ के लिए। लेकिन याद रखना कि इनकम टैक्स अगर फाइल कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपका पूरी तरीके से चेकआउट हो जाएगा कि हाँ कौन कौन इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे आपको रिटर्न वगैरह देना है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, ये पूरा तरीके से चेकअप हो जाएगा। ओके, चेकअप बोल रही हूँ, चेकआउट हो जाएगा। साथ ही अब यहाँ पे iStash की बात करूँ तो iStash जो है एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, जो कि इंडियन कस्टम्स के लिए है। ये लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगी कि वो डेली कस्टम क्लियरेंस को यहाँ पे देख सकते हैं जब भी वो यहाँ पे कार्गो को इंपोर्ट करते हैं। ये डैशबोर्ड जो है आपका डेवलप किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा, साथ ही साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स आपकी सेंटर भी है यहाँ पे। नेक्स्ट अतिथि है, तो अतिथि एक आपका मोबाइल ऐप है। iStash आपका डैशबोर्ड है, जैसे कि आप लोग कोई भी वेब पेज को ओपन करते हो तो उसकी जो कवर पेज आती है उसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है, और अतिथि यहाँ पे मोबाइल ऐप है। इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है CBIC के द्वारा, यानी कि यही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स टू फाइल द कस्टम डिक्लेयरेंस। ये आपका डिक्लेरेशन इन एडवांस, अगर कोई यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन को एडवांस में अगर फाइल करना चाहते कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, तो वो यहाँ पे जो है इस मैप को यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, अब आज के लिए आपका जो क्वेश्चंस है इकॉनमी 11 पार्ट से, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि कालिया स्कीम है क्या, किस स्टेट की स्कीम है,
मैं हिंट दे दी हूँ, तो ये किसी स्टेट की स्कीम है, पहले तो ये आप याद रखना है। इसमें क्या प्रोविजंस है आपको ये याद रखना है। देखिए पहले की जो प्रोविजंस थी उसको अभी न्यू जो प्रोविजंस आए हैं, कहने का मतलब है कि जो ये COVID-19 को देखते हुए सरकार ने कुछ न्यू रिफॉर्म्स करी है, कुछ कुछ स्कीम्स में चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो कि अब क्या यहाँ पर आपका जो है कालिया स्कीम में चेंज किया गया है। अदरवाइज़ मैं तो कल आपको बता ही दूंगी। सेकेंड, आपको यूरिया फर्टिलाइजर में बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है, कितने लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम लोग यूरिया फर्टिलाइज़र के, और साथ ही साथ मैंने स्टोरेज के यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि बहुत तरीके के स्टोरेज होते हैं हमारे इंडिया में, तो कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, क्या क्या नाम है, और उसको अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हो तो ज़रूर डिफाइन कीजिए। अदरवाइज़ आप लोग डिफिनेशन अगर नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम है, तो कम से कम इतना आप लोग ज़रूर लिख लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स है, बाकी उसकी डिफिनेशन अपने मन में ही रिकॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलिए पीडीएस रिफॉर्म से, क्योंकि इससे पहले आपकी जो है हम लोग डिस्कस किए थे स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही आपका आंसर है कि कितने टाइप के स्टोरेज है, कौन कौन से है, तो इसलिए मैं हाइड कर दी हूँ। तो अब याद करते स्टार्ट करते हैं हम लोग पीडीएस रिफॉर्म के साथ। तो न्यूज़ में थी क्यों थी पहले ये समझिए। अब यहाँ पे डिसीजन हो रहा है ना कि पीडीएस इट मीन्स कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो लोगों को यहाँ पे अनाज दिया जाता है, जो बीपीएल फैमिली के होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनको यहाँ पे अनाज देती है सरकार, वो भी सस्ते दामों पे। तो ये जो आपका अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ऑटोमेशन लाने की कोशिश की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में, यानी कि EPOS, और ये इनिशिएट किया जा रहा है पंजाब में। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल में देखें तो बेनिफिशरीज जो है यहाँ पे राशन ले पाएंगे, और बस अपने फिंगरप्रिंट को मैच करके। फिंगरप्रिंट कहने का मतलब है कि आधार कार्ड से ये अनेबल होगा उनका EPOS मशीन, यानी कि यहाँ पे उनको अपने राशन कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस राशन कार्ड में जो उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक डेटा दी है, तो उसी के थ्रू जो है अगर वो लोग अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे दे देंगे, तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी उनका यहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो है इनको यहाँ पे इस तरीके का पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है उनको अनाज देना है। तो ये अब यहाँ पे ऑटोमेशन का काम किया जा रहा है। ऑटोमेशन मतलब ही होता है आपका कि चीज़ों को जो है ना ऑटोमेटिक कर देना, ऑटोमेटिक कर देना इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक POS है, कहने का मतलब है कि बस आपको फिंगरप्रिंट्स देना है और अपना सामान लेना है, और आप लोग का जो है आधार लिंक किया हुआ है राशन कार्ड से, तो अब आप लोग ऐसा नहीं है कि हर समय राशन कार्ड लेकर जाना होता था पीडीएस में, तो अब राशन कार्ड लेकर जाना नहीं है, ये पंजाब में स्पेशली ऐसा किया जा रहा है। तो और न्यूज़ में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश जो है ऐसी फर्स्ट स्टेट है जो कि इस तरीके का पीडीएस में ऑटोमेशन को अडॉप्ट करी है, और कुछ डायरेक्टिव्स दिया गया है कि किस तरीके से नेशन वाइड जो है सारे स्टेट को ये ऑटोमेशन कैरी करना चाहिए, यानी कि इस तरीके का कि खाली फिंगरप्रिंट से ही आप आओ, फिंगरप्रिंट सो, अपना सामान लेके चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग राशन कार्ड लेकर चलते फिरो। क्योंकि आप लोग पता है कि आप लोग जब इस तरीके का डॉक्यूमेंट लेकर चलते हो तो समटाइम्स क्या होता है, चोरी होने का डर होता है, समटाइम्स कहीं खो जाने का डर होता है, तो बहुत सारी ऐसी इशूज़ हम लोग भी देखते हैं। तो इसलिए इस तरीके के इशूज़ से रिजॉल्व करने के लिए, आप लोग को छुटकारा देने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। अब पीडीएस के बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, तो ये क्या करती है, फूड ग्रेन्स को सप्लाई करती है, और जितने भी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में क्या होता है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉमोडिटीज़ चर्चे में है, सॉरी तो ये एसेंशियल कॉमोडिटीज़ होते क्या है, जैसे आप लोग को बेसिक खाना पीना होना चाहिए, आप लोग के पास दाल चावल सब्जियाँ और तेल और मसाले, जो आपका बेसिक चीज़ है वो आप लोग के पास होनी चाहिए, इसको हम लोग एसेंशियल कॉमोडिटीज़ कहते हैं। तो यही चीज़ हम लोग गरीब लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी यहाँ पे नेटवर्क ऑफ फेयर शॉप्स के द्वारा, और ये एक सब्सिडाइज प्राइस होता है। सब्सिडाइज प्राइस कहने का मतलब है कि बहुत ही सस्ते रेट में होता है, जैसे कि आप लोग जैसे भी चावल खरीदते होंगे, जो भी ब्रांड का या जो भी कंपनी के चावल खरीदते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पीडीएस में आपको जो है ना 2 रुपीज़ पर केजी दिया जाता है, 5 रुपीज़ पर केजी दिया जाता है, तो इतने सस्ते रेट में जो है इनको दिया जाता है। ऑपरेशनल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, यानी कि पीडीएस को जो ऑपरेशन में लाया जाता है, इस तरीके का सामान का वितरण किया जाता है, तो ये क्या है कि एक स्टेट के अंदर एलोकेशन होती है, जो भी बेनिफिशरीज है, जो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के है या फिर पुअर है, उनको आइडेंटिफाई करना है, साथ ही यहाँ पे उनको राशन कार्ड इशू करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सुपरवाइज करना है फूड ग्रेन्स का, वो भी यहाँ पे FPS रेस्ट जो भी यहाँ पे स्टेट के साथ है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेट में एलोकेट करना है कि कहाँ पे पीडीएस सेंटर होगा, कहाँ पे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन लोग होना चाहिए, आइडेंटिफाई होने के बाद उनको राशन कार्ड इशू करना है, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फूड ग्रेन्स का सुपरवाइज भी करना है। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फर्दर यहाँ पे अगर पुअर को फोकस करते हैं तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको 1997 में भी लॉन्च किया गया था। PDS का भी ये आपको अपर वर्जन देखने को मिलेगा, टारगेटेड यानी कि एकदम टारगेट करना है कि यही सारे लोगों को इतना सामान तो देना ही है। साथ ही प्लान स्कीम भी है, इन टू इंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS ऑपरेशंस है, जो कि यहाँ पे एक सारे स्टेट और UTs के कोलेबोरेशन के साथ चलाया गया था। 12th 5-year प्लान, देखिए 5-year प्लान किस में आता है तो प्लानिंग कमीशन में आती है। प्लानिंग कमीशन को 1950 में इसको गठन किया गया था और उसके बाद हर एक 5 साल का यहाँ पे प्लान किया जाता था, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना सारी चीज़ें चलती थी। तो अब ये 5-year प्लान को हटाकर, यानी कि 12th 5-year प्लान तक चली थी और इसको अब हटाकर 2015 में हमारे यहाँ क्या आया है तो नीति आयोग आई है। अब नीति आयोग का क्या काम है, तो वो एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सरकार यहाँ पे आपका डिस्कशन होता है, एडवाइस दिया जाता है। तो यही चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे 12th 5-year प्लान थी, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चलना था, लेकिन 2015 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसके अंदर ये था कि एक प्लान स्कीम है, वो भी इन टू इन कंप्यूटराइजेशन, यानी कि ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑपरेशन है उसको कंप्यूटराइज करने का, जो इस स्कीम की वैलिडिटी है उसको यहाँ पे मार्च 2020 तक एक्सटेंड किया गया था। इसमें क्या है कि जो राशन कार्ड है, बेनिफिशरीज की डेटाज हैं उसको डिजिटाइज करना है, साथ ही FPS जो है उसको यहाँ पे ऑटोमेट करना है, आधार सीडिंग और साथ ही साथ EPOS यानी कि आधार को लिंक करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है उसी के द्वारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। अब इसी में रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया गया है। सेंटर जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन करी है, वो भी राशन कार्ड के लिए, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कही है कि वो इस पैटर्न को फॉलो करे और एक फ्रेश राशन कार्ड इशू करके। ये स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे एक वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है और किया जाएगा ये जून 2020 से। ये किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काम किया जाएगा 12 स्टेट को इंटीग्रेट करके, वो भी सिंगल पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म में, जिसको कि हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क कह रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि बेनिफिशरीज जो होंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, वो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड यानी कि सस्ते दाम में जो फूड ग्रेन्स है उसको परचेज कर पाएंगे किसी भी फेयर शॉप में, और वो भी उस स्टेट में 12 स्टेट में, यानी कि यहाँ पे अभी आपका 12 स्टेट इंक्लूड है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या होगा कि ये राशन कार्ड जो होल्डर्स है ना वो यहाँ पे आपका फूड ग्रेन्स को कहीं भी कंट्री में कहीं भी जा रहे हैं तो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। मेनली पहले क्या होता था कि अगर आप लोग जैसे हरियाणा के हो या फिर आप लोग पंजाब के हो, तो यहीं का अगर आप लोग का राशन कार्ड बना है तो आप लोग जो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स लेते हो PDS सिस्टम से, तो आप लोग जिस स्टेट में हो, जिस स्टेट का आपका राशन कार्ड बना है, वहीं से आप लोग ले सकते हो। लेकिन अब क्या है कि आप लोग को एक ही राशन कार्ड बनेगा और आप लोग इंडिया में कहीं भी चले जाओ, चाहे केरल चले जाओ, चाहे मेघालय चले जाओ या फिर गुजरात चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको बस एक ही राशन कार्ड से जो है ना सारा सामान आपको मिल जाएगा। राशन कार्ड जो है यूजुअली यहाँ पे आपका स्टेट के द्वारा इसको इशू किया जाएगा, और बेनिफिशरीज जो है ना अब यहाँ पे राशन शॉप को इशू कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, वो भी एक स्टेट अलोन इशू करके, यानी कि किसी भी स्टेट में जहाँ पे भी आप रहते हो वहीं से आप लोग को ये राशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अदर स्टेट में भी आप जाते हो तो आपको इस तरीके का PDS के थ्रू फूड ग्रेन्स मिल जाएगी। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एक साथ यहाँ पे मैनेज किया जाएगा PDS का। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इस स्कीम का वो ये है कि नेशनल वाइड जो पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड होल्डर्स का उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और ये कैसे होगा तो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के ही थ्रू होगा। यहाँ पे जो माइग्रेटरी राशन कार्ड बेनिफिशरीज हैं, माइग्रेटरी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक जो राशन कार्ड होल्डर है अगर वो पंजाब में रह रहे हैं, उनको माइग्रेट करके जाना है बिहार, वहाँ पे उनको काम चाहिए तो वहाँ से वो बिहार आ रहे हैं, तो अगर वो बिहार आ रहे हैं तो उनको राशन कार्ड लेकर आना होगा, और राशन कार्ड के थ्रू उनको बिहार में नहीं मिलता ये इस तरीके की सुविधा। तो अब क्या है कि उनको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि वो अगर पंजाब से निकल कर अगर यहाँ पे आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, और उनको यहाँ पे राशन कार्ड लेना, यहाँ पे फूड ग्रेन्स लेना है, तो उनको यहाँ पे इस तरीके का जो है वो बेनिफिशरीज है तो उनको भी यहाँ पे दिया जाएगा। फिर क्या है एक्सेस बफर स्टॉक, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी फूड ग्रेन स्टॉक है, यानी कि फूड ग्रेन की जो स्टॉक होती है एक्स्ट्रा जरूरत से ज़्यादा अगर पैदावार हो जाता है तो वो FCI के अंडर कंट्रोल होती है। तो ये सेंट्रल पूल में होती है और ये 6 ईयर्स में आप देखोगे कि अभी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि एक्सेस हो गया हमारे यहाँ जो खाद्य का जो भंडार है वो अभी बहुत ज़्यादा है, तभी हम लोग इस तरीके के लॉकडाउन में भी जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन FCI ने कहा है कि उनके पास फूड ग्रेन्स की जो स्टॉक है वो 3-4 times ज़्यादा है, इसलिए अभी हमारे पास जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे फूड ग्रेन्स को, और हमारे पास किसी भी खाने पीने का और साग सब्जी का जो है कहीं से भी घाटा नहीं होगा। तो ये अभी बहुत हाई है, गवर्नमेंट प्लान करी है कि वो और इस एलोकेशंस को बढ़ाएगी, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ में,
जो मेजर रीजंस है इसके पीछे, यानी कि जो ओवर ओवर सप्लाई हो चुका है फूड ग्रेन्स का, और कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी कि स्टेक होल्डर्स और यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेशन में कमी है। ओपन इंडेड जो आपका प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पे, जो ओपन इंडेड आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो है, और कोई भी ऑटोमेशन लिक्विडेशन यहाँ पे आपका रूल्स नहीं है, तो इसी के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही ये जो है FCI के पास आपका स्टॉक रहता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है क्या, रिसेंटली हरियाणा ने ये डिसाइड करी है कि अब वो ज़्यादा क्रॉप्स को लाएंगे, वो भी भवंतर भरपाई योजना के अंदर। तो ये हरियाणा सरकार की अपनी योजना है जिसमें कि वो सरकार फार्मर्स को जो है ना, किसी भी तरीके का अगर उनकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है तो उनको यहाँ पे भरपाई किया जाता है। तो ये है भवंतर भरपाई योजना स्कीम, जिसमें कि फार्मर्स को इंश्योर किया जाता है कि उनको फेयर प्राइस दिया जाएगा, जो भी वो उत्पाद करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो उनका उनको सही तरीके से जितना भी उन्होंने लागत लगाई है उनका उनको प्राइस दिया जाएगा, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये जो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट है, यानी कि प्राइस डिफिशियंसी अगर प्राइस में कमी आती है तो उसको पेमेंट करना है, ये हरियाणा की है, जिसमें एम है कि जो भी फार्मर्स के रिस्क है कि अगर उनको लो प्राइस दिया जा रहा है उनके वेजिटेबल्स का, सब्जी का मार्केट में, तो वो कम किया जाएगा और उनको जो है एक प्रोटेक्टेड प्राइस दिया जाएगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स जो उगाते हैं उनका जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन उनको जो इनपुट देना पड़ता है, यानी कि सिंचाई के लिए, या फिर पौधे के सीड्स के लिए, या फिर फर्टिलाइजर्स के लिए, यूरिया के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए जो वो यहाँ पर लागत लगाते हैं, इनपुट उनको देना रहता है, उनके तर्ज पे उनको आउटपुट नहीं मिल पाता है, बहुत ही कम प्राइस उनको अपने सब्जियों का मिलता है। तो ये अब नहीं होगा, और ये जो रिस्क है इसको, इस रिस्क को कम किया जाएगा, वो भी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये जो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट है, तो फार्मर्स जो है उनको यहाँ पे कंपेंसेट किया जाएगा। डिफरेंस किस तरीके का डिफरेंस, यानी कि एक तो MSP होता है, MSP कहने का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्म गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे कि फार्मर्स अपने प्रोडक्शंस को जब मार्केट में लेकर आती है, जैसे कि गेहूं, धान, ये सब जो हो गई, तो उसको जब मार्केट में लेकर आती है तो उससे पहले ही यहाँ पे जो है सरकार उस पर रेट फिक्स कर देती है कि चलिए आपका टोमेटो है, अगर टोमेटो आपका मार्केट में अगर नहीं बिका तो मैं इसको 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है मैं इसको खरीद लूँगा। तो ऐसा सरकार जो है रेट लगा देती है, यानी कि मिनिमम से मिनिमम सरकार यहाँ पर रेट लगा देती है, और फार्मर्स क्या करते हैं कि इसी को यहाँ पर वो मार्केट में जाते और 40 रुपीज़ पर केजी या फिर 50 रुपीज़ पर केजी जैसा उनको दाम लगाना होता है उस तरीके का दाम लगा के वो बेचते हैं। अगर उनका इन केस अगर नहीं बिक पाया टोमेटो तो उनके पास एक सपोर्ट होता है कि चलो सरकार खरीद लेगी और यहाँ पे फार्मर्स को नुकसान नहीं होगा, दिस इज़ कॉल्ड MSP। तो यहाँ पे MSP दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी सिलेक्टेड क्रॉप्स में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक क्रॉप्स में दिया जाता है। और जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है, MSP यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो 10 रुपीज़ पर केजीज में दिया जा रहा है, और जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे जो फार्मर्स यहाँ पे दाम लगा रहे हैं वो यहाँ पे आपका 40 रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, तो 30 रुपीज़ पर केजी का हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर घाटा हो रहा है इसका, यानी कि जो डिफरेंस है आपका गवर्नमेंट अनाउंस्ड MSP और वो भी सेलेक्टेड क्रॉप्स में, और जो उनका एक्चुअल मार्केट प्राइस है, इसमें भी घाटा अगर हो रहा है तो इस घाटा को कंपेंसेट कौन करेगी, तो इस घाटा को कंपेंसेट किया जाएगा प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट करके। यानी कि अगर प्राइस में कमी हो गई तो उसमें अगर सरकार फार्मर्स को जो है ना कहीं से भी घाटे नहीं सहने हैं, कहीं से भी लॉस नहीं होना चाहिए फार्मर्स को, तो इस तरीके का भी सिस्टम लाया गया। सेंट्रल स्कीम है, इट मींस कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा, आप लोग सुने ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये भी वन ऑफ द कंपोनेंट है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम का। वहीं अगर अदर कंपोनेंट देखें जिसमें कि प्राइस सपोर्ट स्कीम है, यानी कि प्राइस का सपोर्ट करने के लिए भी स्कीम लाया गया है, और एक पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम भी है, तो ये दोनों भी इसी में इंक्लूड है PM आशा के अंदर। दूसरी अगर स्टेट देखें जैसे कि सिमिलर स्कीम वो चला रही है, तो भवंतर भुगतान योजना है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा है, और इंसेंटिव जो दिया जा रहा है वो मिल्क फार्मर्स के द्वारा दिया जा रहा है कर्नाटक में। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी भी अपने तरीके से भी वो लोग योजना चलाती है, तो जिस भी स्टेट से आप लोग हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि आप लोग के स्टेट में किस तरीके का स्कीम चल रहा है, स्पेशली फार्मर्स के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या हेल्थ के लिए, एडुकेशन के लिए। तो ये सारी एरिया में आपको अपने स्टेट का ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट पीसेस दे रहे हो तो उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी स्टेट की जो स्कीम्स होती है जो बहुत ज़्यादा लैमलाइट हो जाती है, जिसको बर्निंग टॉपिक कहा जाता है, तो उस पर जो है UPSC भी समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेती है। तो जस्ट क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जो है ना स्टेट की भी स्कीम्स को इंक्लूड किया जाता है UPSC के द्वारा। हालांकि UPSC सिर्फ सेंट्रल स्कीम्स को ज़्यादा फोकस करती है रादर देन स्टेट की स्कीम्स को, लेकिन जैसे कालिया स्कीम्स है, तो कालिया स्कीम्स हमेशा से न्यूज़ में रही है, तो इसलिए ये एक चांसेस है कि कालिया स्कीम से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम
पोर्टल, तो ये भी एक पोर्टल है। तो देखते हैं क्या मार्केट इंटेलिजेंस यानी कि मार्केट को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम है यानी कि कुछ भी खतरा आने से पहले, डिजास्टर्स आने से पहले आप लोग को पहले ही वार्निंग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो देख लेते बातें क्या की जा रही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो इसको लॉन्च की है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल है ये। अब देखते हैं कि भाई ये बात है क्या इसमें, तो रीज़न क्या है प्राइस फ्लक्चुएशन का। अब प्राइस फ्लक्चुएशन तो आप लोग जानते हो कि कोई सब्ज़ी के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कोई सब्ज़ी के दाम बहुत कम हो जाते हैं। अब आप लोग ओनियन ही ले सकते हो क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रही थी और अब जो है नॉर्मल हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका प्राइस फ्लक्चुएशन है इसी को कहते हैं। मॉनसून डिफिशेंसी, रीज़न क्या क्या है प्राइस फ्लक्चुएशन का, जो यहाँ पे ओनियन के दाम इतने बढ़ गए थे तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि मॉनसून डिफिशेंसी थी कुछ एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी, उस हिसाब से बारिश नहीं हो पाई क्योंकि हमारे कंट्री जो है मॉनसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं, हमारे फार्मर्स भी इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। तो अगर मॉनसून में अच्छे तरीके से बारिश नहीं होती तो ऑब्वियस है हमारे यहाँ जो फसलों की उत्पादन है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसके कारण जो है अल्टीमेटली कहाँ पर दिक्कत होता है, कंज्यूमर को दिक्कत होती है, फार्मर्स को तो दिक्कत होती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी दिक्कत होती है और इससे हमारे इकॉनमी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब कुछ होता है मॉनसून डिपेंडेंसी के कारण। उसके बाद जो हमारे क्लाइमेट का चेंजिंग पैटर्न है, आप लोग देख रहे हो कि बहुत सालों के बाद आप लोगों को देखने को मिला होगा कि मार्च के फर्स्ट वीक तक भी हम लोग जो है अच्छे अच्छे वेदर में रहे थे, यानी कि पहले से लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर क्या होता था कि फरवरी में बहुत ज़्यादा गर्मी वाली फीलिंग्स आ जाती थी, बट अभी मार्च तक भी हम लोग जो है मिड मार्च तक भी अच्छे वेदर में हम लोग समय बिताए। तो ये होता क्या, ये चेंजिंग पैटर्न है। एक तो इस बार जो ठंडी थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, गर्मी थी लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो ये सब क्या है कि चेंजिंग पैटर्न हो रहा है। साथ ही कॉववेव फेनोमेना भी है। तो कॉववेव फेनोमेना क्या है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि एक कॉववेव फेनोमेना दिखाती है जहाँ पे प्रोडक्शंस जो है ना वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है प्राइस, और प्राइस कितना तो कमी के साथ, क्योंकि रिकरिंग साइकिल चल रहा है राइज और फॉल का आउटपुट और प्राइस में। यानी कि जैसे हम लोग ओनियन का ले ले तो इसकी जो प्राइस थी और इसकी जो आउटपुट थी उसमें आप लोग का रिकरिंग साइकिल चल रहा था, यानी कि कभी दाम बढ़ रही है, कभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, दाम बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, दाम घट रही है। तो यही सारी चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है ना कि फार्मर्स की जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट होती है और वो यहाँ पे जो सोइंग डिसीजंस है उन पे बेस होता है, यानी कि कब वो इस तरीके का जो पैदावार है वो कब करना चाहते हैं ये फार्मर्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो प्राइस को देखते हुए ही करते हैं, डिमांड को देखते हुए ही करते हैं। तो इसको कॉववेव फेनोमेना कहते हैं। तो इसके कारण भी होता है यानी कि ये फुली डिपेंडेंट होता है, कोई भी पैदावार होती है क्रॉप्स की तो ये जो है फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो फार्मर्स समटाइम्स जो है सोचने लगते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है तभी उस तरीके के फसल्स को उगाते, अगर डिमांड नहीं है और उनको उससे लॉस हो रहा है तो उस तरीके के फसल्स को कभी नहीं उगाते। साथ ही डिस्टॉर्टेड प्राइस है आपका, जो सपोर्ट स्कीम दिया जा रहा है, MSP दिया जा रहा है, तो वो भी सरकार के द्वारा जो है सेलेक्टेड क्रॉप्स में दिया जा रहा है, सारे क्रॉप्स में तो दिया नहीं जा रहा है। तो फार्मर्स भी उन सारे क्रॉप्स को उगाने में ज़्यादा आगे नहीं आते जिसमें कि सरकार हेल्प नहीं करती है, क्योंकि उस तरीके के क्रॉप्स अगर बर्बाद हो गए और डिमांड नहीं रहा मार्केट में तो अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है, घाटा किसको हो रहा है, तो फार्मर्स को, किसानों को हो रहा है। तो इसलिए किसान भी वो सारे सब्जियों को और जो टॉप प्रोडक्ट टॉप है यानी कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, तो इन सबको जो है उगाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि सरकार भी सपोर्ट करती है। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो कि स्टोरेज फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत ही बुरी है। लास्ट लेसन अगर मेरे आप लोग सुने होंगे तो उसमें आप लोग को पता होगा कि स्टोरेज जो कैपेसिटी है हमारे यहाँ बहुत बुरी है। हम लोग एक ट्रेडिशनल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लेकर चल रहे हैं, कुछ एक अच्छा नहीं चल रहा है, अप टू डेट नहीं है हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी डिफिशेंसी रीजंस है जिसके कारण प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। अब डिटेल्स में चल के देखते हैं इसमें है क्या। इसमें क्या है ना कि रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो टॉप आपका है क्रॉप है टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, यहाँ पे जो इनकी प्राइस है ये रियल टाइम पता चलेगा, यानी कि जिस समय पे आज क्या इनकी प्राइस है वो पता चलेगा इस पोर्टल में, यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है, वेबसाइट बनाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आज आलू की क्या दाम है, पोटैटो की क्या दाम है, सॉरी ओनियन की क्या दाम है, तो आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप लोग जो है ना इनको यहाँ पे जनरेट भी आपका अलर्ट भी जनरेट होगा, वो भी इंटरवेंशन का। अगर यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में अगर किसी भी तरीके का इंटरवेंशन हो रहा है तो वो भी अलर्ट जारी होगा। ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ऑपरेशन ग्रीन आप लोग को देखने को मिलेगा कि बजट में ही ये आपका कहा गया था, प्रीवियस ईयर बजट में, जिसमें कि टॉप जो क्रॉप है
टोमेटो ओनियन पोटैटो, तो इसकी कमी कभी नहीं होने देंगे सरकार, यानी कि स्टेबलाइज होगी। क्या स्टेबलाइज होगी? तो यहाँ पे इनकी प्राइस सिर्फ स्टेबलाइज होगी और इनकी सप्लाई स्टेबलाइज होगी। तो ऐसा कहा गया था 2 साल पहले के बजट में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि ओनियन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, लेकिन सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो यही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर अगर इस तरीके का इंटरवेंशन होता है तो आपको इस पोर्टल के थ्रू अलर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे सरकार को अनेबल किया जा रहा है कि वो यहाँ पे सप्लाई सिचुएशन को जो है ना टाइमली मार्केट के लिए वो मॉनिटर करें और यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन भी देखें इस प्राइस क्रैश का। पोर्टल जो है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगी टॉप क्रॉप से रिलेटेड कि इनका प्राइस क्या है, कब ये आएगी, किस एरिया में, किस कितना एरिया का इसका यील्ड है, प्रोडक्शन कितना है, क्रॉप कैलेंडर क्या है, क्रॉप एग्रोनॉमी क्या है, तो ये सारी चीज़ आप इस पोर्टल में देख पाओगे। ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट नहीं फूड प्रोसेसिंग एंड ये जो आपका है फूड प्रोसेसिंग वाली जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पे रखा गया, वो भी 500 करोड़ के द्वारा। इसमें एम यही है कि स्टेबलाइज़ किया जाएगा सप्लाई जो टॉप क्रॉप का है और एक अवेबिलिटी भी इंश्योर की जाएगी कि आपको थ्रू आउट द कंट्री में थ्रू आउट द ईयर जो है ना आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस वोलेटिलिटी के बिना, यानी कि प्राइस वोलेटिलिटी कहने का मतलब है कि कभी आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा, कभी आपको बहुत लो देखने को मिलेगा, तो एक स्टेबलाइज प्राइस हो, यानी कि जो आपका एक देखने को मिलता है कि प्राइस है वो आपको थ्रू आउट मिले और थ्रू आउट द ईयर मिले और साथ ही साथ आपको जो है एक अच्छा सप्लाई हो और साथ ही साथ प्राइस भी अच्छा हो। तो ये इसका एम है ऑपरेशन ग्रीन का, तो पूछ लिया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, तो ये है क्या APMC इसको बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इम्प्रेस कर रही है स्टेट के ऊपर कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी देखें और यहाँ पे एक बेटर प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को अडॉप्ट करें और ये एक डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट होगा वो भी नेशनल लेवल पे, जिससे कि फार्मर्स को ये इंश्योर किया जाएगा कि उनकी जो प्रोड्यूस है उनकी जो प्रोडक्ट है उनका बेटर प्राइस उनको दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिंक करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है वो यहाँ पे कह रही है कि जो ई नैम है उसको सारे स्टेट इसको अडॉप्ट करें जिसके थ्रू जो हर एक स्टेट के जो फार्मर्स है किसान हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस मिल सके। APMC के बारे में आप लोग देख लीजिए, APMC जो इस्टेब्लिश की जाती है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, साथ ही साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है यानी कि फार्मर्स के साथ जो यहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है तो उनको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। इंटरमीडियरीज के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है मार्केट के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा घोटाले होते हैं, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी दिया जाता है, तो इंटरमीडियरीज को यहाँ पे हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये मेनली फोकस कर रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है ना वो एक्सट्रीमली लो प्राइस में जो है वो यहाँ पे सेल हो पाए। तो ये काम कौन करते हैं? तो ये काम इंटरमीडियरीज करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना कि किसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करने का कोशिश करते हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट में रहते हैं, किसानों को यहाँ पे जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को जो है ना एकदम लो प्राइस में बेचवाते हैं मार्केट में, तो ये नहीं करना है। फार्मर्स को जितना इनपुट लगा है, जितना उन्होंने खर्च करी है, उतना तो उनको मिलना ही चाहिए, उनसे ज़्यादा अगर मिल गया तो क्या गलत है, क्योंकि उनको मिलना चाहिए, वो हमारे देश के जो है बहुत ही, आप लोग समझ सकते हो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट लोग होते हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, अनाज देते हैं। आज के डेट में हम लोग अगर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो इन्हीं की वजह से खा रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है पूरी तरीके से ये जितना अपना इनपुट देते हैं, जितना अपनी मेहनत करते हैं, उनके हिसाब से उनको इतना अर्निंग मिलना चाहिए। तो APMC का यही काम है कि वो देखते हैं, इंटरमीडियरीज को हटाने का काम करते हैं, फार्मर्स ने जितना यहाँ पे मेहनत करी है उनको यहाँ पे मेहनत का फल देने का इनका एक हक है। तो वो ये यहाँ पे ईनैम लेकर आए। ईनैम क्या है? ईनैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, वो भी फार्म प्रोड्यूस के लिए, जिसका एम है कि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, और यहाँ पे जो है जितने भी APMC मार्केट है ना उसको एग्जिस्ट करी है, उसको इंटीग्रेट करके इसको 2016 में लॉन्च किया गया था ईनैम को। अब यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू लिंक ईनैम विथ FPO वेयर हाउसेस, तो इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है कि यहाँ पे ईनैम को जो है ना इंटीग्रेट किया जाएगा, वो भी वेयर हाउस रिसिप्ट से, और ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे आपका वेयर हाउस से ही होगा बिना किसी नीड के, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि गुड्स को मंडी तक ले जाना है, ऐसा नहीं है। साथ ही इंटीग्रेशन होगा FPO का, वो भी ईनैम के साथ, और जो स्मॉल फार्मर्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हांस किया जाएगा, साथ ही उनकी जो एडवांटेज है इस तरीके के मार्केट सिस्टम से इमर्ज होने का, तो उसको भी और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ रखी गई है। अब आते हैं FPO के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में भी थी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करी है एक स्कीम जिसका टाइटल है कि यहाँ पे फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लाया क्यों गया है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन।
तो एक रिपोर्ट है यानी कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सरकार का ये एम है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2022 तक डबल करना है। तो ये जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है ये रिकमेंड की थी फॉर्मेशंस कितना, तो 7000 FPO। यानी कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए तो हम लोग को अपने कंट्री में 2022 तक 7000 FPO को क्रिएट करना है, जिसमें कि जो एफर्ट्स है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का वो यहाँ पे कन्वर्ज कर पाएंगे। तो 2019-20 की जो यूनियन बजट थी उसमें यहाँ पे 10000 new FPO बनाने की बात की गई थी, वो भी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर 2025 तक। तो ये अनाउंस किया गया है 2019-20 यानी कि लास्ट ईयर के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो आप समझ लेते कि FPO है क्या, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये जो कंसेप्ट है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, ये 2011-12 में ही स्टार्ट हुआ था। एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जहाँ पे 2.5 लाख जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे 250 FPO के साथ जोड़ा गया था और उनके जो रिज़ल्ट है वो इनकरेजिंग थे, और फिर इसको दूसरे एरिया में भी एक्सटेंड किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि छोटे से एरिया में इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, देखा गया था कि उससे जो है यहाँ पे फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब फ़ायदा हो रहा है तो और भी स्टेट में और भी जगह पे इसको जो है स्टार्ट किया गया। एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी लीगल एंटिटी हो सकते हैं जो कि कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर से फॉर्म्ड हो, जैसे कोई फार्मर हो या फिर मिल्क प्रोड्यूसर हो, फिशरमैन हो, वीवर हो, और रूरल आर्टिस्ट आर्टिशंस हो, क्राफ्ट्समैन हो, तो ये सारे हो, और लीगल एंटिटी होना चाहिए जैसे कि कोई कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। तो ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे आपके, ये सारे लोग जो मिलके है ना एक यहाँ पे आपके प्राइमरी जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे बन सकते हैं, एक लीगल एंटिटी यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो FPO जो है एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेंबर्स कौन है, तो फार्मर्स है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपका FPO, तो फार्मर्स जो है ना वो एक बेटर कलेक्टिव स्ट्रेंथ हो पाएंगे, वो अच्छा खासा इक्वालिटी इनपुट वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी का उनके पास एक साधन हो पाएगा, क्रेडिट मिलेगी उनको, बेटर मार्केटिंग एक्सेस होगा उनको यानी कि इकोनॉमिक्स के थ्रू, और बेटर रियलाइजेशन होगा इनकम का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है फॉर्मेशन किया जाएगा तो उसके थ्रू हो पाएगा। आज के डेट में आप देखोगे तो ओवर 5000 जो FPO है वो हमारे कंट्री में, और 20% जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वेबल के लिए, और 50% जो है वो मोबिलाइजेशन स्टेज में ही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो मोबिलाइज करें इस तरीके के 50% है। सिर्फ यहाँ पे 45% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कवर किया गया है, और 85% जो स्मॉल एंड फार्मर्स जो है उसके मीन्स 85% में से सिर्फ 45% है जिनको यहाँ पे कवर किया गया है ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर। तो कुछ चैलेंजेस है जो कि आज के डेट में FPO यहाँ पे फेस करिए, जैसे कि यहाँ पे फार्मर्स को मोबिलाइज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हर एक इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट में जो कि फेस किया जा रहा है, लिमिटेड मेंबरशिप है, मेंबरशिप भी ज़्यादा नहीं है, पॉलिसीज़ में यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ऑटोनोमी नहीं है, क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस है, बिना यहाँ पे कोलैटरल को ऑफर किए हुए यानी कि आप लोग कोई भी चीज़ को गिरवी रखो तभी आप लोग को यहाँ पे लोन दिया जाएगा, तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बात हुई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। अब आते हैं अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे तमिलनाडु है जो कि हमारी फर्स्ट स्टेट बन गई है इस तरीके का लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर यहाँ पे कानून बनाने वाली, जो कि हमारे कंट्री में एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की उसी को देखते हुए तमिलनाडु जो है अपने स्टेट में भी इस तरीके का कानून लेकर आई है। अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट पे बेस्ड है, वो भी बायर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में, जो खरीद रहे हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, एक्सपोर्टर है जो कि खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, प्रोड्यूसर्स है जैसे कि प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं यहाँ पे, तो फार्मर्स है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन दोनों के बीच में जो प्री हार्वेस्ट यानी कि जब हार्वेस्ट कटाई से पहले, जब यहाँ पे क्रॉप के कटाई से पहले जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। ये किसके अंदर है, तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, और एग्रीकल्चर हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में 7th schedule में 3 लिस्ट है, एक तो आपकी सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल लिस्ट में जो है हमारे पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, कंकरेंट लिस्ट में हमारे जो है यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये कंकरेंट लिस्ट में है, तभी तो सेंटर में भी आपको 2018 का यहाँ पे कानून देखने को मिला, और तमिलनाडु भी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून लेकर आ रही है। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो वो टोटली यहाँ पे स्टेट लिस्ट में आती है, सारे स्टेट अपने हिसाब से एग्रीकल्चर पर ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट करी है, यानी कि जो फर्म इंगेज्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो उनको यहाँ पे जो है ना लाइसेंस और जो रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है स्टॉक लिमिट का, तो उनको यहाँ पे छूट दिया गया है। और जो फूड स्टफ का जो मूवमेंट होता है एसेंशियल कॉमोडिटीज 1955 के एक्ट के अंदर, तो उनसे भी उनको छूट दिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या लेजिस्लेशन है
जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इंडिया में रिलेटेड है। तो अगर हम लोग देखें जो प्रोड्यूसर्स और जो स्पॉन्सर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे मॉडल APMC एक्ट 2003 में बनाई थी, जिसमें कि कुछ प्रोविजन रखा गया था कि कुछ स्पॉन्सर्स जो होते हैं, जो कि चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, तो उनको कैसे रजिस्टर करना है, एग्रीमेंट का रिकॉर्ड कैसे रखना है, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है। इसी के साथ साथ कुछ स्टेट है जो कि वो अपने यहाँ APMC एक्ट को अमेंड किए थे जिससे कि वो यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर सके, बट पंजाब है जिनके यहाँ अलग से लॉ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आई थी 2018 में, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को इनक्रेज किया गया था कि वो अपने यहाँ जो है क्लियर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लेकर आए, वो भी इस तरीके के मॉडल एक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है एक प्रमोशनल और फैसिलिटेटिव एक्ट का, जो कि यहाँ पे अपने ही स्ट्रक्चर में वो रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन हाँ इसको ड्राफ्ट करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अगर रिसेंट वर्डिक्ट में देखें तो यहाँ पे फार्मर्स को कहा गया कि जो भी यहाँ पे फार्मिंग लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको ऑब्लाइज है कि वो यहाँ पे सीड्स वगैरह जो है ना फर्म से ही खरीदे और फिर इस तरीके से उनको सेल करें, यानी कि जो प्रोड्यूस किए हैं उनको वो फिर से उस तरीके के कंपनी में जो है ना वहाँ पे वो बेचे, यानी कि एक तो सीड उनको ख़रीदना है उसी फर्म से और फिर बेचना भी है उनको वहीं पे। तो ये जो स्टेटस है कंज्यूमर का, अब इसको इन्वोक किया गया है सारे प्रोटेक्शंस जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1989-86 के तहत दिया गया है, जो कि फार्मर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, तो इसके बारे में भी बेसिक देख लेते हैं। ये जो कानून है ना, इसमें कुछ स्पेशल इम्फेसिस दिया गया है कि हम लोग फार्मर्स की जो इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और उनको जो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि दोनों पार्टीज़ में से वो वीकर है तो जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो कंसिडरिंग देम एज अ वीकर ऑफ द टू पार्टीज इंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा नहीं है, उनकी जो इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बायर्स को इंश्योर करना है कि वो यहाँ पे प्री एग्रीड क्वांटिटी में जो इंटायर प्री एग्रीड जो क्वांटिटी है प्रोड्यूसर से, उसको वो यहाँ पे जो है फिक्स्ड करे, वो भी प्री एग्रीड प्राइस, यानी कि पहले से ही यहाँ पे आपका प्राइस को यहाँ पे फिक्स करना है, और साथ ही साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड भी देखना है जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। इसमें क्या क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सारे कैटेगरीज़ हैं एग्रोनॉमिक और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके यहाँ पर सारे कैटेगरीज़ हैं, लाइव स्टॉक भी है, डेयरी भी है, पोल्ट्री भी है और फिशरी भी है, सारे सर्विस जो कि एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में आते हैं, जैसे कि प्री प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन से पहले ही प्रोडक्शन के समय में, जैसे कि इसमें एक्सटेंसिव सर्विस इंक्लूड होती है, पोस्ट प्रोडक्शन सर्विस यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद का जो सर्विस होती है, वो सारी चीज़ें ना इसी के एम्बिट में आती है। इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अथॉरिटी को सेटअप करना है, वो भी स्टेट लेवल में, जिसके थ्रू अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है स्टेक होल्डर्स में वो पॉपुलराइज हो सके। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप भी देना है विलेज पंचायत लेवल में, जिससे कि जल्दी और जो भी ज़रूरत है वो सारी डिसीजन यहाँ पे लिया जाए प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी में। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रिंग भी करना है, एग्रीमेंट भी करना है, जितनी भी रिकॉर्डिंग कमेटी है वो भी लोकल लेवल पे, जिससे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको रजिस्टर किया जाए, और यहाँ पे आपको जो है ना एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी प्रोवाइड करना है, वो भी लोएस्ट लेवल पॉसिबल में, जिसके थ्रू जो जितने भी डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, जो कि आप लोग देखो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उसमें किसी भी तरीके का अनबन हो जाता है तो उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट करना है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को भी प्रमोट करना है, जिसके थ्रू स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, उनको मोबिलाइज करना है, उनको बेनिफिट देना है जितने भी इकॉनमी में उनका प्रोडक्शन हो रहा है और पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, यानी कि फार्मर्स के लैंड का जो ओनरशिप होता है कि कौन इनके जो है ओनर है, उनका जो ओनरशिप है वो यहाँ पे बार किया गया है, वो भी स्पॉन्सर कंपनीज में। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो है फार्मर्स को बेवकूफ़ बना के क्या करेगी कि उनका जो ओनरशिप है लैंड के ऊपर वो उसको ले सकती है, तो इस तरीके की चीज़ों को रोका गया है। और यहाँ पे रोका गया है, साथ ही साथ यहाँ पे स्पॉन्सर्स को भी रोका गया है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो कि फार्मर्स के लैंड में है ना, तो उसको वो रेज नहीं करेगी। साथ ही यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है कि एक अल्टरनेटिव इन केसेस जहाँ पे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है अगर इन इफेक्टिव है, तो यानी कि उनका जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है प्रोडक्शन का अगर वो इन इफेक्टिव है, तो वो यहाँ पे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है उनके पास। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो वो भी आज के डेट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है इसके एम्बिट से बाहर है, जो कि ये आपकी स्टेट और यूटीज़ की है, तो बायर्स को यहाँ पे बाहर रखा गया है, यानी कि जो मार्केट फ़ी है, कमीशन चार्जेस है, तो इससे बायर्स को बाहर रखा गया है। साथ ही स्टेक होल्डिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो उसकी लिमिट भी है, तो ये क्या है ना कि ये हमारे प्रोड्यूस जो भी परचेज किए जाते हैं तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर में है, यानी कि जो स्टेक होल्डिंग है ना, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे लिमिट किया गया है कि वो यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, यानी कि जो भी फार्मर्स की जो क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको परचेज किया जा रहा है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि इनकी जो लिमिट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके,
तो बहुत ही अच्छी ये आर्टिकल है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या क्या किया गया, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है रिसेंटली 5 सक्सेसफुल ईयर ऑफ कम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन को कम्प्लीट कर चुकी है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी जो है एक तरीके का बेसिस है जिसके थ्रू फार्मर्स जो है ना एक अच्छे तरीके से सस्टेनेबल तरीके से वो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके का ऑप्टिमल डोजेस यहाँ पे देखा जाता है कि फर्टिलाइजर्स का कितना डोज होना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, ये एज़ पर द साइंटिफिक रिकमेंडेशन है जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग का। जैसे किसान यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, सीड्स बोते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट है और साथ ही साथ जो है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से कौन से फसल पहले लगाना है, उसके बाद कौन से फसल लगाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए फसल लगाने का। तो ये सारी चीज़ों की कमी होती है, उनको पता नहीं होता है। बहुत लोगों को पता होता है लेकिन जिसको नहीं पता होता है उनके लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया जिससे कि उनकी जो मिट्टी है जिसमें वो अपने क्रॉप को उगा रहे हैं उनकी हेल्थ का पता चल पाएगा कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या फिर कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। एक करेक्ट और एक्यूरेट अमाउंट ऑफ जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर उनको देने की कोशिश की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि आपके सॉइल हेल्थ की क्वालिटी क्या है, क्वान्टिटी कितनी है, उसमें किस तरीके का फर्टिलाइज़र जाना चाहिए, उसमें किस तरीके का क्रॉप को उगाना चाहिए, तभी आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फार्मर्स को फ़ायदा देने के लिए ही इस तरीके का सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया था। इंडिया में आप देखोगे तो जो करंट कंजप्शन हो रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, वो यहाँ पे 6.7:2:2.4:1 है जो कि हाईली है। अगर हम लोग नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो है ना अपने इंडिया में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्कीम के अंदर देख लेते हैं, इसमें क्या है कि जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, ये एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जो कि फार्मर को दिया जाएगा और उनको एक हर एक होल्डिंग को यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि जितने भी यहाँ पे लैंड होल्डर्स है सारे फार्मर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें क्या है कि सारे फार्मर्स को हमारे कंट्री में प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 2 साल के इंटरवल में, और फार्मर्स को यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाएगी कि कितने न्यूट्रिएंट की डोज वो यहाँ पर अपने सॉइल को देंगे और जो कि सॉइल टेस्ट वैल्यू से ही पता चलेगा। तो वो अपनी जो सॉइल की हेल्थ है, फर्टिलिटी है, उनको और बढ़ा पाएंगे, उनको और सस्टेनेबल बना पाएंगे। सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि लंबे समय तक जो है वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट है वो बरकरार रहे, साथ ही लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट होगा। कम से कम इनपुट लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। ये स्कीम जो आपका प्रमोट किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स के है, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो स्टेट और यूटी के होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो सैम्पलिंग का कॉस्ट है, टेस्टिंग का कॉस्ट है, रिपोर्टिंग का कॉस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको बियर करते हैं और ये आपका जो है ना पूरी तरीके से सम जितना भी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। सॉइल सैंपल अगर देखें तो यहाँ पे 12 पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू किसी भी मिट्टी को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखा जाता है यानी कि सल्फर कितनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट देखी जाती है जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन है। साथ ही यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर भी है कि पीएच लेवल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये सारी जो पैरामीटर्स है ये आपके सॉइल सैंपल्स में या आपका इंक्लूड होता है। इसके ऊपर अगर हम लोग बेस्ट देखें तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो 2 तरीके के सेट यहाँ पे प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस के लिए, और ये 6 क्रॉप्स है जिसमें कि आपके ऑर्गेनिक मैन्योर की रिकमेंडेशन भी है कि आप लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या होता है ना कि केमिकल ज़्यादा नहीं होते, उससे ना ही मिट्टी को प्रॉब्लम होती है ना ही फसल को प्रॉब्लम होती है। तो फार्मर्स को यहाँ पे और भी रिकमेंडेशन दिया गया कि वो और भी एडिशनल क्रॉप लगा सकते हैं, वो भी ऑन डिमांड। तो इस स्कीम के अंदर आप देखोगे तो विलेज के जितने यूथ है, फार्मर्स है अप टू द 40 ईयर्स ऑफ एज, तो वो एलिजिबल है कि वो अपना सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी को सेटअप कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि फार्मर्स को खुद ही दिया गया है, ये हक भी दिया गया है, जितने भी यूथ है विलेज के उनको भी ये हक दिया गया कि वो अपने यहाँ जो है ना एक सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज को वो सेटअप कर सकते हैं और उनको जब भी लगता है कि सॉइल का टेस्ट करना है, उनमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्या क्या है, तो वो खुद भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। रिसेंट एडिशन अगर देखें तो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज को लेकर, जिसमें कि सैम्पलिंग और जो टेस्टिंग है कल्टिवेबल सॉइल का उसको इनक्रीज किया गया है, वो भी यहाँ पे फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप करके। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो वन विलेज पर ब्लॉक जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है कि जिसके थ्रू हम लोग सॉइल सैंपल को कलेक्ट कर पाएंगे, वो भी लेवल ऑफ इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग में, ना कि ग्रीड लेवल पे। तो एक एक जो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल है उन्हीं के बेसिस में हम लोग देखेंगे कि सॉइल सैंपल को वो कलेक्ट कर पाएंगे और वन विलेज पर ब्लॉक पे ये आपका डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम देखें, यानी कि कितना कवरेज हुआ है, तो अराउंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 22 करोड़ तक सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
इसमें इंक्रीज़ भी हुआ है यील्ड, यानी कि पैदावार भी अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डेटा के हिसाब से देखें तो इस स्कीम में ये दिखाया गया है कि फैसिलिटेट जो है, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसकी इस्तेमाल कम हुई है, वो भी 8 से 10% तक। वहीं अगर क्रॉप यील्ड देखें तो वो 5 से 6% तक इन्हांस हुई है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर हम लोग देखें तो जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो भी यहाँ पे 16 से 25% जो है डिक्रीज़ हुआ है राइस में, और 10 से 15% जो है वो यहाँ पे ऑयल सीड और पल्सेस में कम हुआ है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स का सेविंग्स भी हुआ है। राइस में अगर देखें तो नाइट्रोजन की जो सेविंग्स है वो भी यहाँ पे आपकी हुई है 2 kg पर एकड़ में पल्सेस में हुई है, और ये जो है आपका पल्सेस में देखें तो 10 kg पर एकड़ में हुई है। यानी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आप सॉइल हेल्थ कार्ड का देखोगे तो कवरेज बढ़ा है, इंक्रीज यील्ड भी इंक्रीज़ हुई है, कल्टीवेशन का कॉस्ट भी कम हुआ है, और फर्टिलाइजर्स की सेविंग भी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो सॉइल एनालाइजिंग जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ी है, लोग यहाँ पे खुद ही एनालाइज़ कर पा रहे हैं, और सॉइल जो टेस्टिंग लैब है आज के डेट में जो एग्जिस्ट करी है वो भी यहाँ पे न्यू स्टैटिक और जो मोबाइल सॉइल हेल्थ जो लेबोरेटरी है वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, साथ ही साथ विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के साथ। तो काफ़ी अच्छी ये स्कीम रही, और साथ ही ये अपनी जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पाई 5 साल में काफ़ी अच्छा काम कर पाई है। ओके, अब देखते हैं न्यू वीट फ्रॉम IARI। तो ये है क्या IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक न्यू वैरायटी जो आपका है उसको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, SD3226 है, और पूषा वश याश हशवी है, जो कि यहाँ पे अपकमिंग रबी क्रॉप जो सीज़न है उसको यहाँ पे प्लान किया जाएगा। तो रबी क्रॉप आप लोग को पता है कि विंटर सीज़न में ही होता है, और आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी इल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है अगर हम लोग वीट वेराइटीज़ में देखें तो। यहाँ पे हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन है, ग्लूटीन है, जिसमें कि आपका जो ड्रॉट के समय में आप देखोगे तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है अपार्ट फ्रॉम मोर जिंक। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि इस तरीके का जो वीट है, न्यू तरीके का जो वीट यहाँ पे पाया जा रहा है SD3226, तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रोटीन की जो मात्रा है और ग्लूटेन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा है। वैरायटी अगर आप लोग देखोगे तो हाई लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे फंजाई और मेजर जो रस्ट वगैरह है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें कीटनाशक वगैरह जो है बहुत कम लगेगी। न्यू वैरायटी अगर देखें तो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। न्यू वैरायटी जो है इसको हम लोग कह रहे हैं अमेनेबिलिटी टू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? ये एक तरीके का फार्मिंग सिस्टम है जिससे कि अगर कोई भी तरीके की लैंड है अगर उसमें लॉस हो रहा है ना, खराबी हो रही है, तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जब भी यहाँ पे डिग्रेडेड लैंड को डिग्रेड जनरेट करके रीजनरेट करके, यानी कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है परमानेंट सॉइल कवर का उसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, साथ ही मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस होगा और डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा प्लांट स्पेसिस का। यानी कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से कंजर्व करना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो ज़मीन है उसमें किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, साथ ही जो हमारी बर्बाद ज़मीन है उसको फिर से रीजनरेट करना है, अच्छे से करना है, ताकि कि उसमें हम लोग फिर से क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर कर सकें। साथ ही यहाँ पे जो परमानेंट सॉइल कवर है उसकी मेंटेनेंस अच्छी सी होनी चाहिए, और जो सॉइल डिस्टर्बेंस है, सॉइल को जो डिस्टर्ब किया जाता है उसको भी यहाँ पे मिनिमम करना है। आप लोगों को पता है कि जैसे कि अपर जो लेयर ऑफ सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो क्या होता है कि समटाइम्स आप देखोगे कि पानी जब आप लोग देते हो तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हो तो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है ना एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चले जाती है, तो ये क्या हो गया कि सॉइल डिस्टर्बेंस हो गया। तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस करना है, साथ ही प्लांट स्पेसिस की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो और लेकर आना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रॉप लगाना है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या हो गई? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब रिसेंट क्रॉप देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वैरायटी देखते हैं जो कि IARI के द्वारा किया गया। तो सबसे पहला है पूसा बासमती 1718। तो ये राइस वैरायटी है जो कि यहाँ पे बैक्टीरियल लीफ स्कॉर्च है उससे रेसिस्टेंट है, यानी कि ये तरीके का बैक्टीरिया नहीं लगता है। पूसा सांबा है 1850, ये हाई यील्डिंग है, नॉन बासमती है, मीडियम स्लेंडर आपकी ग्रेन है। पूसा आदिति है जो कि ग्रेप हाइब्रिड है, यानी कि जो अंगूर है उसकी हाइब्रिड है। पूसा सोना है, ये ओनियन वैरायटी है, प्याजों की वैरायटी है जो कि ये रिलीज़ किया गया है अपार्ट फ्रॉम अदर जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जैसे कि मेलन, कुकुम्बर और कॉलीफ्लावर है, उसके अलावा ये आपका रखा गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पूसा बासमती, पूसा सांबा, पूसा आदिति और पूसा सोना। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म में भी देख लेते हैं ज़मीन को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात है लैंड एक्विजिशन, यानी कि भूमि अधिग्रहण। तो यहाँ पे न्यूज़ में देखते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है एक केस में जो कि यहाँ पे रिलेटेड है सेक्शन 24(2)
जो कि राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का है। ज़्यादा और देखते हैं तो इस एक्ट की जो सेक्शन 24(2) है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है क्या, तो लैप्स ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि अगर लैंड एक्वायर किया गया है और कंपेंसेशन जो लैंड का है वो यहाँ पे दिया नहीं गया है विद इन 5 ईयर्स, तो एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपने जो है कोई ज़मीन ले ली लेकिन उसका कंपेंसेशन, यानी कि जो ज़मीन में आपकी खराबी है या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो उसका कंपेंसेशन दिया जाता है। तो अगर 5 साल में भी आपको इस तरीके का कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है, भरपाई नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप जो एक्विजिशन किए हो ना वो ख़त्म हो जाएगा, आपका यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि कोर्ट हेल्ड दैट, तो कोर्ट ने क्या कहा, लैंड एक्विजिशन जो प्रोसेस है वो लैप्स हो जाएगा अगर यहाँ पे फेल्योर है किसी भी तरीके का पोजेशन करने का या फिर कंपेंसेशन देने का। यानी कि लैंड एक्वायर हो गया और कंपेंसेशन भी नहीं दिया गया, तो फिर ये जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। प्रोसीडिंग जो है वो लैप्स तब नहीं होगा जब गवर्नमेंट यहाँ पे कंपेंसेशन को डिपॉजिट कर देगी गवर्नमेंट ट्रेजरी में। अगर आपने कंपेंसेशन दे दिया और गवर्नमेंट यहाँ पे कंपेंसेशन को जो है डिपॉजिट कर दी है, तब आपका प्रोसीडिंग यहाँ पे फेल नहीं होगा। लैंड ऑनर जो कि यहाँ पे रिफ्यूज़ करेंगे कि वो कंपेंसेशन को एक्सेप्ट करें, तो ये उनको प्रेस नहीं कर सकते हैं इस लैंड एक्विजिशन को कैंसिल करने के लिए। यानी कि जो लैंड ओनर होंगे ना वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि वो कंपेंसेशन नहीं लेंगे। तो ये जो है ना, इससे क्या होगा कि लैंड एक्विजिशन को कैंसिल करने के लिए प्रेस नहीं किया जाएगा। अगर वो यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन इससे जो आपका लैंड जो प्रोसेसिंग है, एक्विजिशन प्रोसेसिंग, वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ ने कोर्ट ने कहा है। अब यहाँ पे इस राइट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके का हक रखा गया है। राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, साथ ही रिहैबिलिटेशन का भी, रीसेटलमेंट का भी, जो कि पहले की एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, तो उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट लाया गया है। ये जो प्रोसेस है आपका लैंड एक्विजिशन का, इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे भी है, यानी कि सोशली तरीके से यहाँ पे आपका जो असेसमेंट है उसको देखा जाएगा। प्रिलिमिनरी जो नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पे बताएगी कि कैसे क्या क्या एक्विजिशन का प्रोसेस है। डिक्लेरेशन किया जाएगा एक्विजिशन का और कंपेंसेशन जो है वो एक सर्टेन टाइम के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। कंपेंसेशन में क्या है कि कंपेंसेशन जो है वो यहाँ पे आपका 4 टाइम्स जो मार्केट वैल्यू है रूरल एरियाज़ में, उसका कंपेंसेशन यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, और 2 टाइम्स जो कि अर्बन एरिया में है। तो अगर मार्केट आप देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यू है उससे अगर हम लोग देखें कि ये आपका ज़मीन का उस तरीके का वैल्यू नहीं है, तो 4 टाइम आपको उतना कंपेंसेशन फ़ी देना होगा। अगर अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में अगर देखें, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको यहाँ पे कंपेंसेशन फ़ी देना होगा। शेयर अगर हम लोग देखें तो अप्रिशिएटेड लैंड वैल्यू में, तो जहाँ पे आपका एक्वायर्ड लैंड जो बेचा जा रहा है थर्ड पार्टी को वो हायर प्राइस में होना चाहिए, तब यहाँ पे 40% जो अप्रिशिएटेड लैंड वैल्यू है वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा ओरिजिनल ओनर को। अगर यहाँ पे आप लोग खरीदते हो, लैंड एक्वायर्ड कर रहे हो, तो ये थर्ड पार्टी को अगर आप लोग बेचती है हायर प्राइस में, यानी कि जितने में आपने ख़रीदा, जैसे कि आपने जो है 1 करोड़ में ख़रीदा और आपने आगे वाले को कितने में बेचा, 5 करोड़ में बेचा, तो 40% जो अप्रिशिएटेड लैंड वैल्यू है, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो है ना, आपको ओरिजिनल जो उस ज़मीन के लैंड ओनर होंगे उसके साथ आपको शेयर करना होगा। मॉनिटरिंग कमेटी की बात करें तो नेशनल और स्टेट लेवल पे है, जो कि यहाँ पे R&R ऑब्लिगेशंस जो है उसको वो यहाँ पे इंश्योर करेगी, जो कि यहाँ पे आप लोग जब इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा तो इसको पूरा करना है। R&R ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि एक तो रिहैबिलिटेट करना है और फिर से रीसेटलमेंट करना है। कैप अगर देखें तो ये आपका एक लिमिट लगाया गया कि मल्टी क्रॉप और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्विजिशन करने में, तो ये एक तरीके का फूड सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए रखा गया है, और जितनी भी आर्बिट्री एक्विजिशन है, गलत तरीके से जो एक्विजिशन होता है उसको रोकने के लिए। तो इस कानून के थ्रू जो है ना, स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया है कि कुछ लिमिट वो रखें, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर कल्टिवेशन वाला एरिया है तो वो यहाँ पे एक्वायर्ड नहीं होना चाहिए और लिमिट होना चाहिए वो सारे एरिया में। मैंडेटरी कंसेंट की अगर बात करें तो ये एटलीस्ट 70% जो है वो लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में होना चाहिए, और 80% जो एक्वायरिंग लैंड है वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ के लिए होना चाहिए। अब भाई इसमें एग्जेम्पशंस किसको किसको दी गई है, छूट किसको किसको है, तो यहाँ पे आपका कुछ प्रोविजंस है इस एक्ट के तहत जो कि यहाँ पे एक्विजिशंस में अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आप देखोगे कि 16 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, जिसमें कि आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भी है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी है, रेलवे एक्ट भी है, तो इसके अंदर जो है ये सारी प्रोविजंस को रखा नहीं गया है। यानी कि जितने भी प्रोविजंस आज के डेट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारी प्रोविजंस आपका इस एक्ट के अंदर नहीं रखा गया। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस देखें तो ये है क्या, हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस है उसको एड्रेस करने के लिए,
और साथ ही साथ यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव जो आपका अप्लाई होगा वो कुछ केसेस में होगा जहाँ पे कोई भी लैंड एक्विजिशंस अवार्ड नहीं आपका बनाया गया है, इन केस जहाँ पे लैंड को जो है 5 ईयर्स पहले ही एक्वायर्ड कर लिया गया था बट कोई भी कंपनसेशन उसमें पे नहीं किया गया और कोई भी पोसेशन नहीं लिया गया है, तो उसको यहाँ पे इस तरीके के ऑपरेशन में रखा गया है। साथ ही आप लोग देखोगे कि रिटर्न है अनयूटिलाइज लैंड में, फिर क्या है कि रिटर्न ऑफ अनयूटिलाइज्ड लैंड, अगर इन केस की कोई भी लैंड जो है अनयूटिलाइज्ड रह गया यानी कि एक्विजिशन करने के बाद भी उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, तो न्यू बिल जो है ये स्टेट को एम्पावर करती है कि वो लैंड को जो है ना रिटर्न कर ले, या तो ओनर को दे दे या तो स्टेट लैंड बैंक को दे दे। नेक्स्ट है कि सेफ स्पेशल सेफ गार्ड है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए और अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए भी, कोई भी लैंड जो है ना वो यहाँ पे स्केड्यूल एरिया में एक्विजिशन नहीं किया जा सकता बिना किसी ग्राम सभा के कंसेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो लैंड होता है जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं और जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनकी जो लाइवलीहुड होती है वो मेनली यहाँ पे फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होती है, तो जो भी स्केड्यूल एरिया है ना वहाँ पे ग्राम सभा के बिना किसी कंसेंट के बिना कोई भी जो है वो लैंड वहाँ पर एक्विजिशन नहीं कर सकते। सारे लैंड जो गारंटेड हैं वो यहाँ पे पेसा 1996 की जो पेसा एक्ट है उसके अंदर ये लेजिस्लेशन के अंदर ये आपका गारंटेड है, साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2016 की है उसके लिए यहाँ पे आपका रखा गया है, तो ये इस तरीके के कानून के अंदर ये रखा गया कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो ट्राइबल पीपल्स के लिए होते हैं और ट्राइबल पीपल्स का भी वहाँ पर कुछ राइट है कि वो अपने लाइवलीहुड को जो है वो चला सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लैंड पूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले समझिए कि ये न्यूज़ में क्यों थी। रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिफाई किया है कि वो लैंड पुलिंग के लिए पॉलिसी बनाए जिसके थ्रू जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ सके, हाउसिंग डेवलपमेंट अच्छे से हो सके सिटी में, और वो भी मास्टर प्लान 21 के तहत। तो अब ये लैंड पुलिंग क्या होता है ये समझिए। लैंड पुलिंग जो है लैंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी होता है, यानी कि एक तरीके का स्ट्रैटेजी लगा के, एक स्ट्रैटेजी बना के आप जो है लैंड को एक्वायर कर रहे हो, जहाँ पे ओनरशिप राइट जो प्राइवेटली हेल्ड लैंड पार्सल का है वो ट्रांसफ़र किया जाता है अपॉइंटेड एजेंसी के लिए। मान लीजिए कि मेरा जो है मैं ओनर हूँ किसी भी ज़मीन का और मैं अपॉइंटेड एजेंसीज को जो है ना जो मेरा मैं सच में ओनरशिप राइट है मेरे ऊपर लेकिन प्राइवेट प्राइवेट लैंड को मैं यहाँ पे हेल्ड कर रही हूँ, तो उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी भी अपॉइंटेड एजेंसी में, और ये जो लैंड पार्सल है ना इसको फिर एज ए रिजल्ट पूल्ड किया जाता है, यानी कि पूलिंग होती है उसमें आपका जो है इस तरीके का पूल किया जाता है। तो पहले समझिए जो एजेंसी है वो जो है कुछ तरीके के पूल्ड लैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके पास राइट होता है न्यू पार्सल का कि वो पूल्ड लैंड में जो है उसको ट्रांसफ़र बैक कर सकते हैं ओरिजिनल लैंड ओनर को, वो भी सेम प्रोपोर्शन में जो कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी। मैंने कोई लैंड एक्विजिशन करी, मैं किसी एजेंसी को हायर करी, वहाँ पर मैं क्या की कि इस तरीके के प्राइवेटली लैंड को जो है ना उनको ट्रांसफ़र कर दी और उनको ट्रांसफ़र की पूल्ड करने के लिए, यानी कि या तो इसको बेच दो या तो इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दो या तो कुछ और कर दो जो कि लोगों के काम आए या फिर कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट हो सके, तो इस तरीके का काम करने के लिए मैं एजेंसी को दे देती हूँ। अगर ये एजेंसी इस तरीके का काम कर दी तो ओके, इसको हम लोग लैंड पूलिंग कहते हैं, और उसके अलावा वो अगर नहीं कर पाई, किसी को ना बेच पाई ना इसमें कोई भी डेवलपमेंट काम हो पाया ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाया, तो वो वापस से जो है हमें यानी कि जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनको उस सेम प्रोपोर्शन में सेम ओरिजिनल प्रॉपर्टी में वो मुझे वापस भी कर देगी। तो इस होल प्रोसेस को यहाँ पे जो है हम लोग लैंड पूलिंग कहते हैं। ये जो आपका किया गया है ये गुजरात में, वो भी मैकेनिज्म ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम्स के तहत, और ये यहाँ पे डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को जो है डेवलप करने के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश में देखें तो लैंड पूलिंग जो है ना वो वहाँ पे किया जाता है लार्ज स्केल में, जिससे कि न्यू कैपिटल सिटी जो अमरावती है उसका डेवलपमेंट हो सके, तो इस तरीके का लैंड पूलिंग का भी एक सिस्टम होता है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ एक वर्ड आता है लैंड लीज़, यानी कि लीज़ पे दे देना, मैं आपको कुछ समय के लिए दे रही हूँ कि आप उसमें कुछ कर लो। तो लैंड लीज़ का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं लैंड ओनर हूँ और कोई कल्टीवेटर है जो कि उसमें कुछ उगाना चाहते हैं, कुछ जो है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल एग्रीड स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि मैं 5 साल के लिए जो है किसी कल्टीवेटर को लैंड लीज़ पे दे दी कि 5 साल के लिए आप अपना एग्रीकल्चर का या फिर जो काम करना आप उसमें कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं लैंड लीज़ करना। इंडिया में आप देखोगे तो लैंड लीज़ जो है ना वो कुछ स्टेट में ही पहले अलाउड था और अब लेकिन वहाँ पे जो मार्केट है ना वो पुअरली डेवलप्ड था तो वहाँ पे ही अलाउड था। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं।
जो लैंड ओनर है ना, वो यहाँ पे लीज आउट नहीं करते हैं लैंड को, वो भी क्या कि उनकी जो पोसेशन है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी, या फिर वहाँ पे टीनेंट्स चेंज होने लगते हैं। जो टीनेंट फार्मर है ना, वो यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं ले पाते गवर्नमेंट स्कीम्स का, जैसे कि क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं लैंड लीज में दे देती हूँ, तो उसमें जो फार्मर्स वहाँ पर काम करते हैं, तो कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग टीनेंट फार्मर्स कह रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो अगर वहाँ पर काम करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स और जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस क्रेडिट वगैरह, तो उनका उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ये आज के डेट में जो एग्रीकल्चर टेनेंसी कानून है, उसको बहुत सारे स्टेट्स में जो है रिव्यू किया जा रहा है। नीति आयोग ने कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी भी सेटअप की है, जो कि वो लैंड लीजिंग को देखेगी। साथ ही यहाँ पे एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ भी ड्राफ्ट किया जा रहा है, जिसमें कि एक सिक्योरिटी को क्रिएट किया जाएगा, वो भी लैंड ओनर में, जो कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको लीज आउट करेंगे। तो लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, अगेन आप लोग को याद होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेट का ये हक है कि वो इस तरीके के मॉडल लॉ को अडॉप्ट करें। तो जो पोटेंशियल है लैंड लीजिंग फ्रेमवर्क का इंडिया में, इसमें क्या है कि प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए लैंड का, सोशल सिक्योरिटी होता है टीनेंट को, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी बढ़ पाती है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है, और एक अच्छा खासा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून है, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016, इसकी कुछ प्रोविजन है जो कि देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि लैंड लीजिंग को लीगलाइज करना है, यानी कि इन सारे एरिया में जहाँ पे कंप्लीट सिक्योरिटी होना चाहिए लैंड से ओनरशिप का, यानी कि मेरी लैंड है, मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि 5 साल के बाद जो वो किसान वगैरह है वो कहीं उसको हड़प ना लें, कोई और वहाँ पर आके हड़प ना ले। तो सिक्योरिटी होना चाहिए, एक लीगलाइज करना चाहिए, और एक अच्छा खासा पीरियड हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए देना चाहूँ, तो ये एग्रीड होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो एडवर्स पोजिशंस का जो यहाँ पर आपका क्लॉज है उसको हटाना है। बहुत सारे स्टेट में जो लैंड लॉज है उसमें बहुत सारे फ्री फंक्शंस जो लैंड लीज मार्केट है वो इंटरफेयर करने लगते हैं। जैसे मैं ज़मीन दे रही हूँ कल्टीवेटर को, तो उसमें और भी जो मार्केट में आपके जो लोग होते हैं वो आके इंटरफेयर करने लगते हैं। तो इस तरीके का एडवर्स पोजीशंस होने लगता है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करना है। ऑटोमेटिक रिजम्पशंस होना चाहिए ओनरशिप का, यानी कि ओनरशिप जो यहाँ पे लैंड ओनर का है वो रिज्यूम हो जाए आफ्टर एग्रीड लीज पीरियड, यानी कि 3 साल 5 साल के बाद, बिना किसी मिनिमम एरिया ऑफ लैंड को छोड़े बिना। यहाँ पे जो टीनेंट है ना, वो जब उनकी टीनेंसी टर्मिनेट हो जाए, यानी कि 5 साल के बाद टर्मिनेट हो जाए, तो वो ज़मीन जो है सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए। टर्म्स ऑफ लैंड लीज, यानी कि यहाँ पर डिटरमाइन होना चाहिए लैंड ओनर और टीनेंट के बीच में, बिना किसी डर का कि वो कितने साल के लिए यहाँ पर लैंड को लीज़ में दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट की भी एक्सेस होनी चाहिए सारे टीनेंट को, जिसमें कि आपके शेयर क्रॉपर्स हो, जो कि इंश्योरेंस बैंक से एक्सेस कर पाए क्रेडिट, बैंक क्रेडिट ले पाए। साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी लैंड इंप्रूवमेंट में आपका प्रमोट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे टीनेंट को इंसेंटिवाइज करके कुछ एक्स्ट्रा मनी देके, उनको ये कह के कि वो इसको जो है जब अनयूज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो वो बैक कर दे उनको एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, जब उनका टेनेंसी ख़त्म हो जाता है, तो उस समय अगर उनका जो है अनयूज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ पे जो लैंड ओनर है उनको वापस कर दें। फिर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो भी अगर किसी भी तरीके का मैं लैंड ओनर हूँ, कोई कल्टीवेटर को अगर देती हूँ, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए कि लैंड लीज़ का पीरियड ख़त्म होने के बावजूद भी वो मेरे ज़मीन को नहीं छोड़ रहे, गलत तरीके से वो हड़प रहे, तो इसका भी रिजोल्यूशन होना चाहिए। जो कल्टीवेटर और जो ओनर है वो यहाँ पर डिस्प्यूट को सेटल करें, और यहाँ पर थर्ड पार्टी मेडिएशन होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे एक स्पेशल लैंड ट्रिब्यूनल बना सकती है, जो कि फाइनल अथॉरिटी देगी, यानी कि जो एडजुडिकेशन होगा उनका, जो फैसला होगा इस डिस्प्यूट से निकल कर जो आएगा वो उनका फाइनल होगा। तो ये भी चीज़ इस मॉडल के अंदर रखा गया है। ओके, तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे सारी, मुझे लगता है कि हर एक एरिया जो लैंड लीज से रिलेटेड है उस सारी चीज़ों को इस एक्ट के अंदर रखा गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है प्रीवियस मॉडल से भी, जो है यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है एक कॉलम बनाकर इस मैगजीन्स के अंदर आपका जो है प्रीवियस जितनी भी एक्ट वगैरह होती है उसकी प्रोविजन लिख दिया जाता है, कि एटलीस्ट आपके माइंड में हल्का सा होना चाहिए कि अगर क्वेश्चंस आए किसी भी तरीके से घुमाकर तो आप उसको टैकल कर सको। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन से तो कमेंट करना ना भूले, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।